गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन अनदर डे। तो भाई अभी मैं उठ चुका हूँ, अब नहाने जा रहा हूँ। हनी नीचे ब्रेकफास्ट करने गया, कुछ सामान लेने गया गाड़ी में से, और भाई एक नंबर नींद आई नहीं। मतलब बड़े नींद आई, कमरे अच्छे थे। लोकेशन मैं दिखाऊँ क्या तुम्हारा? देख लो भाई, बाहर का व्यू ये है। बाकी पेड़ पौधे और पार्क है, कोई चलता रोड पी 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 या कोई गंदी बस्ती नहीं है, ठीक है। और रूम ऑल ओवर आपको दिखाई दिया था, और थोड़ा सा रूम व्यू ले लो, मेरे बैकग्राउंड में जो भी दिख रहा है देख लो। तो भाई अब चल रहे हैं सेक्टर 17, जिस चीज़ के लिए यहाँ पे आए हैं। उसके बाद फिर मुझे एक बंदे से मिलना है, उस बंदे से मिलेंगे और उसके बाद आगे का ट्रिप प्लान करते हैं कि कहाँ जाने का मन करे, घर जाने का मन करे, मतलब जो भी होगा देखा जाएगा। जैसे प्लान बनेगा, जो भी बनेगा हम बताते तो चलेंगे। मैंने ब्रेकफास्ट यार अभी करा नहीं, और एनर्जी ना थोड़ी सी लो है। जनरली मैं सोच रहा हूँ यार, नहाऊं या ब्रेकफास्ट, पहले नहा लूँ या पहले ब्रेकफास्ट कर लूँ, या पहले मैं पहले नहा ही लेता हूँ भाई। इतनी एनर्जी है, नहा तो लेगा फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करने चलेंगे, बढ़िया शरीर खुल जाएगा। कितनी प्यारी लाइट आ रही है ना, आप खुद वीडियो क्वालिटी देख के चेक करके देख लो, थोड़ी लाइट अच्छी आ रही है ना। यहाँ पे दो लाइट है ये, ओके। और मैं ऐसे हट जाता हूँ, इन दो लाइट के पीछे उस दीवार पे दो लाइट है, ये थोड़ा सा व्यू एक अच्छा है जो मुझे इस रूम में अच्छी चीज लगी। बाकी तो सब नॉर्मल सा ही है, ये व्यू अच्छा है। अभी मैं इंस्टाग्राम पे इसकी पोस्ट लगा ले, स्टोरी लगा लेता हूँ। यहाँ पे एक ऐसा फोटो, गुड मॉर्निंग गाइस, वो वाले भाई नहा धो के रूम से आ चुका हूँ, थोड़ी सी जल्दी थी, और ब्रेकफास्ट अपना चल रहा है। जल्दी से ब्रेकफास्ट करके चल रहे हैं वहाँ पे, फटाफट एक बार ब्रेकफास्ट कर लो प्लीज़, ये थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल रहा है। अब जल्दी अपने रूम में, ब्रेकफास्ट हो चुका है डन हमारा। भाई देख लो कुछ कुछ हमारा होटल, देख लो हमारे होटल का स्विमिंग पूल जिसमें हम नहाए नहीं। स्विमिंग पूल अच्छा था भाई, काफी बड़ा है देखो। माय रूम, आई एम बैक मैन। भाई अपने बच्चे लोग गए हैं फाइल को जमा कराने, वो कह रहे थे फाइल जमा करा के आने जल्दी जल्दी। तो तुम पता है मैं थोड़ा सा लेट उठा, नहाया थोड़ा सा ही नहाया, गणा ना नहाया। अरे ब्रेकफास्ट कर रहा था मैं, भाई थम फाइल जमा करा के हो, इतना मैं अपना एक आधी चीज़ पैक वगैरह करता हूँ, फाइल जमा करा के आने पड़ती है सुबह सुबह। तो मैं भाई तुम करा के हो, इतना मैं सेटलमेंट करता हूँ और आ जाओ जल्दी से। सब गए, बस मैं और एक भाई और है, वो रुका हुआ बस रूम में, अभी आ जावे थोड़ी देर में, फाइल जमा करवाएगा। और अपनी उसमें टीम में दो बंदे और जुड़ चुके हैं, क्योंकि मनीष ने और पटियाला ने ज्वाइन कर लिया है, वो भी आ चुके हैं। और हबीबी में आया हुआ था। बाय बाय भाई, मेरी यह एयरपोर्ट ना मिल रही थी, इसके चक्कर में हल्का सा लेट हो गया था, बट अभी भी नीचे जाके अन्नी को बताऊंगा नहीं कि मेरी ये मिल गई है। अरे कितना फ्लोर है ओए, कितना फ्लोर है, दो ही है, यहीं थी चालू है, तो पूरी मार्केट घुमाएगा, उल्टा यहीं ले आया हूँ। तो भाई फाइनली शायद से इस सारी भड़कता हम जा रहा हैं, और काम कुछ सक्सेस हुआ ना, करप्ट का मेन तो है भाई, करप्ट देर तो मिलो नहीं नंबर, दिमाग खराब बाबा दिमाग खराब। अब मिल गया एक दो बंदों का, मिला विकास का, सर का मिल गया, विकास का मिल गया, मनीष का मिल गया, हबीबी पे हबीबी को नाम आती चीज़ को खराब हो जाए कोई ना मनीष, बाकी चढ़गा तेरा भी नंबर मिलगा। हन्नी का रहेगा यार, करप्ट का रहेगा भाई, बहुत चक्कर काटा फिर भी अब जो चीज़ ना होनी थी वो ना। बेटा भगवान कह रहा था पैसे अच्छी जगह यूज़ करो, अब वो आप जो 2-2.5 लाख रुपये फूकने सोच रहे थे वो ब्लॉग्स में लगाओ, एडवेंचर करो भाई, दुनिया घूमो, देखते हैं जैसे भी है। ये फाइल पड़ी एलविस की, एलविस को तो बेड़ो कर खोगा। चंडीगढ़ का माहौल मिलो ना, हमने भी बढ़िया डाल, क्योंकि हम सरकारी जगह घूम रहे हैं ज़्यादातर। अभी चलेंगे थोड़ी बहुत देर में कहीं, कपड़ा लेने चलेगा तू भी? हाँ भाई जोगर से, जोगर से लाएंगे तगड़े तगड़े टी शर्ट पुशर्ट, सरप्लस इम्पोर्टेड लत्ते भाई एक से एक। लो जी ये खड़ी कैमरा मैन गैंग, ये कैमरा मेरा आत्मा कैमरा। अब भी टेंशन में क्या ब्रो यार, अब नॉर्मल हो जा, कोई दिक्कत ना है, देखे माहौल। ओ हो हो, घर ले जी 10-20, काम आएगा।
तो भाई हमने लंच मतलब लंच से ब्रेकफास्ट थैंक यू भाई, ना उसे लंच कह सकते हैं ना उसे हम मतलब एज अ रिफ्रेशमेंट कह सकते हैं, बट खाना इतना खा लिया कि वो डिनर में इंक्लूड हो गया। और भाई मतलब अब फिट फुल है और अब हमारा प्लान बन रहा है कसोल निकलने का, तो वी आर गोइंग टू कसोल। कसोल ना कसोल तो काफ़ी दूर है, कसोल ही जा रहे हैं हम। मैं रिसेंट एक बार गया था तब कसोल गया था भाई, कसोल का तो सीन ही अलग है और इनका जाने का मन है कसोली। तो भाई विंडो के हिसाब से प्लेन रोड से पहाड़ों का सफर स्टार्ट। तो भाई मेरे हिसाब से अब थोड़ी सी खड़ी चढ़ाई आने लग रहा है, अब कान में ना जो टन वो वाला सिस्टम थोड़ा थोड़ा होगा। हमने शीशा खोल रखा, बाहर हवा अच्छी चल रही है इस वजह से, और अब नींद आ रही है, मैं तो सो रहा हूँ। ठीक है ड्राइव सेफ, मेरी जिंदगी तेरे हाथ में है। जल्दी कुछ आएगा नहीं, गैली चलेगा दोनों भाई, टेंशन नहीं ले रहा हूँ ना मैं, इश्क पिक्चर वाला काम कर दूंगा। बाय बाय, इसका इंश्योरेंस ले लेंगे। चल तो भाई आगे टोल गेट 500 मीटर जावे पहुंचा अभी। नहीं इसको क्रॉस कर दिया उन्होंने, इसी का रास्ता बता दिया। चल भाई कल व्लॉग ना आया तो समझ जाना, घर वालों मेरा भी इंश्योरेंस ले लेना, ये तो अपनी थार को ले ले, वो तुम भी ले लियो कुछ तो दे देगा भी इंश्योरेंस ना, जितनी किस्त भरी है लगे मैं फिर घर ना जाऊंगा। तो भाई जिस होटल पे रुक रहे थे ना, उस होटल वाले का फोन आ गया और ऐसे कह रहा भाई इतनी गर्मी में भी ना वहाँ पे बारिश होने लग रही है। अरनू कह रहा भाई बारिश हो रही है, अगर शाम को मतलब रात तक बारिश होती रही तो स्नोफॉल हो सकती है। देखते हैं इतनी गर्मी में पॉसिबल है ये चीज़ या नहीं है, हम तो भाई यकीन तो ना हो रहा, हम तो पागल से हो गए। वो कह रहा भाई बारिश आने लग रही है, अभी ऊपर से आवाज़ आ रही है बहुत तगड़ी, देखते हैं वहाँ पूछते हैं पहले। भाई वो उस होटल वाले ने न्यूज़ मुझे गलत दी थी, वो ऐसा कह रहा था कि हमारे तो ऊपर टंकी का पानी कूद रहा था और वो टीन पाए का पड़पड़ बज रहा था, वो अंदर सोने लग रहा था। आज थोड़ी ठंड सी आती तो नगर ठंडी के मारी में सो गया, और भाई मुझे ऐसा लगा वो बारिश आ रही है। स्नोफॉल तो मुझे बताता हो ही ना सके। अब भाई ऊपर अन्य और करप्ट गया कोई सर होटल को देखना, यहाँ सीन कुछ ऐसा, अपना गाड़ी पार्किंग में लगा लो ऊपर, होटल देख के आओ, रूम बुक करो, तब आप वेरी गुड पार कर पाओगे। और भाई सारे खड़े होके यहीं पे वेट कर रहे हैं उनका, जल्दी से आए फिर देखते कौन सा रूम सेट होता। भाई प्रॉपर्टी ओहो हो भाई एक नंबर की प्रॉपर्टी है, गाड़ी अपनी पार्क हो चुकी है पूरी कति खाई के साइड में, जगह ऐसी है तो खाई के साइड में खड़ी होगी। भाई यहाँ पर व्लॉगिंग चल रही है, यहाँ की व्लॉगिंग खत्म हो चुकी, और भाई ये प्रॉपर्टी देख भाई वाह जंपिंग जैक वाली प्रॉपर्टी के अंदर जा रहे हैं, अंदर जाके देखते हैं कैसी है कैसी नहीं। वाह वाह कब तू हमारे साथ है क्या मोटे, डिस्टर्ब हो रहा है मेरे तो, चल भाई सो जा भाई। क्या प्रॉपर्टी भाई, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी है। और ये अपने रूम की एंट्री, चलिए जी भाई ये अपना फ्लैट यहाँ से बिगिन हो जाता है, यहाँ पे अलग अलग जगह कमरे। अब ये बैग भाई कमरे से बना रखे हैं कुछ, ये तो भाई वाह तो सो रहा हूँ खड़ा हो ले, सुबह व्यू लेंगे यहाँ बैठ के बैठे भाई, हवा एक नंबर चल रही है। गाइस कुछ कसोली में इस टाइप के अपने रूम है, अब कुछ खाना वगैरह का सिस्टम मंगाते हैं। और फाइनली वी आर इन कसोली, आज स्टे यहीं पे करेंगे, यहीं पे सोएंगे, थोड़ी देर बैठ के बातचीत करते हैं। ये कुछ बात रूम है कांच कूंच के थोड़े ठीक से ही है, मतलब प्रॉपर्टी अच्छी है, कुल मिला के कोई दिक्कत ना है। अपने तीन फ्लैट है अलग अलग, वे वाइब लेते हैं थोड़ी बहुत घूमते फिरते हैं, और फिर शायद नहीं कोशिश करेंगे घर। बट मुझे एक छोटा सा काम भाई, तो चंडीगढ़ में मुझे दो काम थे, एक मेरा डन हो चुका, दूसरा मेरा अब तक नहीं हुआ, उसको कल देखते हैं। भाई एक 26 हो गए, और भाई व्यू मतलब सुबह ही मैं दिखा पाऊंगा यहाँ पे, अभी आपको ऐसे बता के मतलब पता नहीं लगेगा कैसा व्यू है कैसा नहीं है, पता नहीं लगा पाओगे ना मैं बता पाऊंगा, और ना वो टाइम टू स्लीप। भाई होटल का व्यू अच्छा है, सब कुछ चीज़ का व्यू अच्छा है, सब कुछ आपको सुबह दिखा पाऊंगा। रूम तो मैंने जैसे दिखा दिया, भाई अपना बैग गेरा यहाँ पे, और बैग मत निकालनी है, अपने स्लीपर्स और शूज़ वगैरह निकाल के हाथ मुँह धो के सोते हैं। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, चैनल को नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ओके बाय, गुड नाइट।